रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ टीचर ऑफ क्लास सिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल एंड इट इज़ योर मैथ पीरियड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 13। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? कोई भी अगर हमें नंबर गिवन है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर दें। मतलब अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दें, तो वो उसका क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा वो उसका। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 3। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 3/2। हमने क्या कर दिया? इन्वर्स कर दिया 2/3। 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर देंगे, जब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स मीन चेंजिंग साइन ऑफ अ नंबर। मतलब किसी भी नंबर का साइन चेंज करना। फॉर एग्जांपल, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव है मीन अगर माइनस में है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। आप एग्जाम्पल गिवन है 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। अगर किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो हम कौन सा साइन सपोज करते हैं? प्लस का साइन सपोज करते हैं। जब हम इसको एडिटिव इन्वर्स करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल में है माइनस का 4। जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। अगर हम प्लस लिख दें तब भी सही है, और हम प्लस का साइन ना भी शो करें तो भी करेक्ट है, लेकिन माइनस का साइन हम लाजमी शो करते हैं। तो हमने 2 टर्म पढ़ी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव मतलब इन्वर्स करना, रेसिप्रोकल करना, और एडिटिव इन्वर्स मतलब साइन चेंज करना वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हम इस तरह से कॉलम ड्रॉ करके एक साइड लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स, एक तरफ लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करेंगे? जो भी हमें पार्ट गिवन होगा हमने उसका साइन चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उसका हमने क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। अब एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो उसको माइनस कर देंगे, कोई माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो हमें पार्ट में वैल्यू गिवन होगी उसी का हम लोग क्या कर देंगे? इन्वर्स कर देंगे। जो वैल्यू न्यूमरेटर में होगी उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर में होगी उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास? 17/15। जब इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? -17/15। और जब 17/15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15/17। इतना सा पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है? -26। जब इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? +26। और जब -26 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, अगर 26 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 सपोज करेंगे, और जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/26। माइनस का साइन वैसे ही आएगा। पार्ट नंबर 3 में क्या है? -1/20। जब इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? +1/20। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? -20/1। जैसे पार्ट नंबर 4 हमारे पास -5/19। जब इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? +5/19। और जब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? माइनस बीच में आएगा 19/15। जैसे पार्ट नंबर 5 है आपके पास, पार्ट नंबर 5 में क्या है? 0 है। एडिटिव इन्वर्स 0 का नहीं हो सकता ना, हम 0 के साथ प्लस का साइन लगा सकते हैं, माइनस का साइन लगा सकते हैं, इसलिए एडिटिव इन्वर्स 0 का क्या होगा? 0 ही होगा। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 0 का कुछ नहीं हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। 0 के साथ ना हम प्लस का साइन लगा सकते हैं ना माइनस का, इसलिए एडिटिव इन्वर्स में हम सिंपल 0 ही लिख देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसका नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 में है 8, तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -8। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, अब 8 नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या सपोज करेंगे? 1। और जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8। इस तरह से पार्ट नंबर 7 है 1/9, एडिटिव इन्वर्स का क्या हो जाएगा? -1/9। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 9/1। पार्ट क्या है? 200/7। जब इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? -200/7। और जब इसी का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/200। एडिटिव इन्वर्स में हम वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम उस वैल्यू को क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं।
ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन 3, इसके 8 पार्ट्स हैं। डू इन द रजिस्टर, आपने अपने मैथ्स के रजिस्टर में इसको कॉपी करना है और उसकी प्रैक्टिस AR पे लाजमी करनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोबारा रिपीट कर दी जाए कि आप लोगों ने जो एग्जांपल के तौर में मैंने आपको बीच में स्लाइड समझाई थी, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन और मैं तो हमारे इनवर्स की डेफिनेशन का न्यूमरेटर में बना रहा हूं के लिए थी, वो आप डिनोमिनेटर में अगर हम बना भी दिखाई तो हमने पहले ऊपर एडिटिव इनवर्स की हेडिंग दे दी है, ये आई मशीन नंबर 3 उससे कॉपी करना है। इसका एडिटिव इनवर्स करने के लिए क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफिनेशन में जी और क्या है, माइनस हेडिंग की डेफ